नमस्कार, मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। भारतीय रेलवे की बड़े पैमाने पर निजीकरण की तैयारी। 500 ट्रेनें और 750 स्टेशन होंगे निजी ऑपरेटर्स के हवाले। भारतीय रेलवे के निजीकरण को लेकर रेलवे बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल में निजी निवेश के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। साथ ही 750 रेलवे स्टेशन के रखरखाव का काम भी वर्ष 2025 तक निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, सरकार रेल के डिब्बे और इंजन को भी प्राइवेट कंपनियों से खरीदने की योजना बना रही है। इसके लिए रेल मंत्रालय की ओर से एक बड़ा खाका तैयार किया जा रहा है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन तमाम प्रस्तावों को रखा गया है, जिसे अगले 5 वर्षों के लिए तैयार किया गया है। अभी तक रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक तौर पर यही कहा है कि वह रेलवे में निजी कंपनियों को 150 ट्रेनों के संचालन का जिम्मा सौंपना चाहती है, जिसके लिए 100 रूट की पहचान भी कर ली गई है। मंत्रालय की ओर से बुधवार को कहा गया कि इसके नीति आयोग व भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इस पर लोगों की राय भी मांगी गई है। बता दें कि रेलवे में निजीकरण की शुरुआत पिछले वर्ष ही हो चुकी है। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस के संचालन का जिम्मा प्राइवेट कंपनी के हाथों में दिया गया है। यह ट्रेन दिल्ली से लखनऊ के बीच चलाई जा रही है। इसके बाद जनवरी माह में मुंबई से अहमदाबाद के बीच इसके प्रयोग किया जाएगा। आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमन ने बजट भाषण के दौरान पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इंदौर के बीच देश की तीसरी तेजस ट्रेन को चलाने का ऐलान किया। सोमवार को सरकार की ओर से कहा गया कि 100 रूट पर प्राइवेट ट्रेनों का संचालन करने की योजना है। इसके लिए निजी सेक्टर 22,500 करोड़ तक के निवेश की संभावना है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।